एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। कौन होगी नए जनरेशन की वांटेड गर्ल? क्या मेकर सर्च करेंगे न्यू फेस? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ वांटेड 2 के बारे में। बॉलीवुड में टॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बन रहे हैं, वहीं अब बॉलीवुड फिल्में हॉलीवुड से भी इंस्पायर्ड हो रही हैं। वहां से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर बॉलीवुड की फिल्म बिल्कुल हॉलीवुड की तरह दिखाई जा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि हम बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड इन तीनों को क्यों मिला रहे हैं, तो हम बताते हैं आपको कि क्या बात है। वांटेड फिल्म तो आपने देखी होगी, जो सलमान खान की सुपरहिट फिल्मों में से एक है, लेकिन अब बात आ रही है वांटेड 2 की, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और इसे लेकर खास चर्चा भी हो रही है। हो सकता है कि ये फिल्म हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो, हॉलीवुड के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करे। ये भी हो सकता है कि हॉलीवुड की ही किसी फिल्म की रीमेक बन जाए ये फिल्म। और वैसे भी दोस्तों, सलमान खान इससे पहले भी हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक पर काम कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी फिल्म की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने गॉड टू सी ग्रेट हो सलमान खान की फिल्म तो देखी होगी, और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म ब्रूस ऑलमाइटी की रीमेक है, जो 2003 में रिलीज हुई थी। इसीलिए ये भी हो सकता है कि मेकर्स वांटेड 2 के लिए हॉलीवुड की किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म से हो सकती है वांटेड 2 इंस्पायर्ड? वैसे भी दोस्तों, फिल्म में हीरो का रोल जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही हीरोइन का भी। तो सवाल ये है कि कौन होगी वांटेड 2 की वो हसीना? वांटेड फिल्म में तो आयशा टाकिया ने खूब धूम मचाई थी, लेकिन अब बात है नए जनरेशन की, तो कौन होगी नए जनरेशन की हीरोइन? तो दोस्तों, हो सकता है कि सारा अली खान हमें इस फिल्म में दिखाई दे, और क्योंकि आजकल ये अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती है और इनकी फिल्में भी सुपरहिट हो जाती है, तो हो सकता है कि ये वांटेड 2 में नजर आए। वैसे ये बात अलग है कि आईफा अवार्ड्स में सारा ने सलमान को सलमान अंकल बोला था, जिससे सलमान काफी एम्बैरेस्ड हुए थे। वैसे क्या आप भी सारा को देखना चाहते हैं वांटेड 2 में, वो भी सलमान के साथ? लेकिन अगर सलमान इस फिल्म का हिस्सा ना बने तो? मतलब एक इंटरव्यू में सलमान ने बताया था कि वो अभी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है, तो हो सकता है कि मेकर्स किसी दूसरे स्टार को अप्रोच करें। ये भी मुमकिन है कि इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ एज अ लीड एक्टर नजर आए, क्योंकि वो आजकल अपनी पर्सनैलिटी और लुक के लिए काफी फेमस हो चुके हैं। अब वैसे भी दोस्तों, टाइगर श्रॉफ बहुत ही फिट है बेहतरीन एक्शन के लिए, तो वांटेड 2 के लिए शायद ये एक बेहतरीन हीरो साबित हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वांटेड 2 में हमें टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, वो भी सारा अली खान के साथ? ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।